हेलो गाइस, नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द यूनिट्स ऑफ वर्क। मतलब हम यूनिट्स ऑफ वर्क के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। वैसे तो आप सभी ने पढ़ा होगा कि जो वर्क के यूनिट्स होते हैं, एसआई यूनिट्स जो होते हैं, नाइन्थ लेवल पे भी स्टडी किया होगा कि वो क्या होते हैं। आपके पास जूल होते हैं, क्लियर। जैसे आपने कुछ सिस्टम अगर थर्ड यूनिट में प्रिपेयर किया है, आपने वहां पे भी ये चीज स्टडी करी होगी कि अगर मैं फोर्स के भी यूनिट स्टडी करता हूं तो एक तरह से एब्सोल्यूट और ग्रेविटेशनल यूनिट कंसीडर करता हूं, क्लियर। मतलब एक यूनिट तो हमें सिंपलेस्ट स्टडी करने होते हैं और एक क्या होते हैं, अंडर द इम्पैक्ट ऑफ ग्रेविटी होते हैं, क्लियर। तो मेरे पास इसी टाइप से यहां पे होंगे, एक मेरे पास क्या होंगे यहां पे एब्सोल्यूट यूनिट्स, क्लियर, और एक मेरे पास क्या होंगे ग्रेविटेशनल यूनिट्स, क्लियर। तो आपके पास जो एब्सोल्यूट यूनिट्स हैं वर्क के अगर देखा जाए तो वही होते हैं कि जो सिंपलेस्ट होते हैं, ठीक है। इसमें आपके पास क्या आते हैं, एक आते हैं एसआई और एक आते हैं सीजीएस, क्लियर। ऐसे मेरे पास ग्रेविटेशनल में भी क्या होते हैं, एक होते हैं एसआई और एक क्या होते हैं सीजीएस, जो मैंने स्टडी करने हैं, क्लियर। मतलब इसमें एसआई सीजीएस आपके पास दोनों होंगे, बट होगा क्या कि ये आपके पास अंडर द इंपैक्ट ऑफ ग्रेविटी होंगे। तो वर्क की सिंपल ऐसे ही अगर देखा जाए, सिंपलेस्ट आपके पास क्या होते हैं, जूल, क्लियर, और सीजीएस क्या होते हैं, अर्क। ये आपके पास क्या होंगे, इसके सीजीएस यूनिट होंगे, क्लियर। ऐसे जो ग्रेविटेशनल इंपैक्ट के अंदर होंगे वो क्या होंगे, किलोग्राम मीटर, और यहां पे क्या होंगे, ग्राम सेंटीमीटर, क्लियर। ये इसके क्या होंगे, सीजीएस। तो हमने क्या करना है, वन बाय वन इन यूनिट्स को डिफाइन करना है कि मींस जो वर्क होगा बाय द बॉडी ऑफ वन जूल आपके पास कब होगा, वन अर्क कब होगा, वन किलोग्राम मीटर कब होगा और वन ग्राम सेंटीमीटर कब होगा, क्लियर। एज वी नो कि हमारे पास जो वर्क डन का रिलेशन होता है वो क्या होता है, एफ एस कॉस थीटा, क्लियर। तो सबसे पहले जैसे मैं वन जूल को डिफाइन कर रहा हूं, जो वर्क है आपके पास वन जूल होगा, जब फोर्स कितनी होगी वन न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी वन मीटर, और एंगल कितना फॉर्म होगा आपके पास, जीरो डिग्री, क्लियर। मींस जो वर्क डन होगा बाय द बॉडी इज सेट टू बी वन जूल, अगर वन न्यूटन का वर्क पर सॉरी फोर्स लगेगी किसके ऊपर, ठीक है, बॉडी के ऊपर जो उसे डिस्प्लेस करती है बाय द डिस्टेंस ऑफ द वन मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स अप्लाइड, क्लियर। क्योंकि आपको तो पता ही है कि आपको क्या करना है, बेसिकली यहां पे बॉडी की डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स अप्लाइड लेनी होती है, और एंगल जीरो की है। एंगल जीरो लेने का मतलब यही है कि जो फोर्स है वो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में ही है, क्लियर। तो आपके पास क्या है, द वर्क डन ऑन अ बॉडी इज सेट टू बी वन जूल इफ द फोर्स ऑफ द वन न्यूटन अप्लाइड ऑन अ बॉडी डिस्प्लेसेस इट By the distance of the one meter in the direction of force applied, clear? ऐसे मैं क्या कर सकता हूं, यहां पे जैसे देखिए आपके पास जैसे वर्क है, ये है एफ एस कॉस थीटा। अब जैसे मैं यहां पे डिफाइन कर सकता हूं वन आर्क, वन आर्क आपके पास कब होगा, जब फोर्स कितनी होगी आपके पास वन डायन, डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी वन सेंटीमीटर, और एंगल कितना फॉर्म होगा आपके पास, जीरो डिग्री, क्लियर। मींस एक तरह से क्या होगा कि जो वर्क डन होगा बाय द बॉडी वो हमारे पास क्या होगा, वन अर्क होगा, कब होगा, जब वन डायन का फोर्स अप्लाइड होगा एक बॉडी के ऊपर जो उसे डिस्प्लेस करेगा बाय द डिस्टेंस ऑफ द वन सेंटीमीटर इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स अप्लाइड। इस टाइप से हम डिस्कस कर सकते हैं। अब हम आते हैं इसके ग्रेविटेशनल यूनिट्स पे, क्लियर। तो ग्रेविटेशनल यूनिट आपके पास कैसे डिस्कस होगा, जैसा कि मुझे पता है कि एसआई वन किलोग्राम मीटर को डिफाइन करना है, तो रिलेशन है मेरे पास ये एफ एस कॉस थीटा, क्लियर। अब वर्क आपके पास क्या होगा, वन किलोग्राम मीटर होगा, कब, जब फोर्स, फोर्स ग्रेविटेशन में क्या होती है, वन किलोग्राम फोर्स, और डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी वन मीटर, और एंगल कितना बनेगा, जीरो डिग्री, क्लियर। मतलब वही चीज है आपके पास कि जो वर्क डन होगा एक बॉडी के ऊपर वो वन किलोग्राम मीटर होगा, कब, जो वन किलोग्राम का फोर्स उसे डिस्प्लेस करेगा बाय द डिस्टेंस ऑफ द वन मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स अप्लाइड, क्लियर।
ऐसे मैं क्या डिस्कस कर सकता हूं, जिसे वर्क आपके पास है वो है एफ एस कॉस थीटा, तो यहां पे क्या हो जाएगा डिफाइन, 1 ग्राम सेंटीमीटर, तो यहां पे फोर्स कितनी होगी 1 ग्राम फोर्स, और डिस्टेंस कितना होगा 1 सेंटीमीटर, और एंगल क्या होगा कॉस 0। तो इसे भी मैं इसी टाइप से डिफाइन कर सकता हूं कि मतलब आपके पास जो वर्क है वो 1 ग्राम सेंटीमीटर होगा एक बॉडी के ऊपर, जब 1 ग्राम फोर्स डिस्प्लेस करेगा उसे बाय द डिस्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स अप्लाइड। इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं यहां पे डिस्कशन कर सकते हैं। अब मैंने क्या करना है, इनको आपस में रिलेट करना है, क्लियर। मतलब आपके पास 1 जूल कितने किलोग्राम मीटर के इक्विवेलेंट होगा, या फिर 1 अर्ग आपके पास कितने ग्राम सेंटीमीटर के इक्विवेलेंट होगा, वो रिलेशन एस्टैब्लिश करनी है, क्लियर। अब देखिए वो हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है। जैसे देखिए रिलेशन मैंने किसके बीच में, जूल और किलोग्राम में फर्स्टली एस्टैब्लिश करना है, क्लियर, इसके और इसके बीच में। अब देखिए मुझे पता है कि 1 जूल मेरे पास इसके इक्विवेलेंट है, तो मैं इसे कैसे लिख सकता हूं, लाइक 1 न्यूटन मीटर, ठीक है, मैंने इस टाइप से लिख लिया। अब 1 किलोग्राम मीटर आपके पास क्या है, 1 किलोग्राम मीटर इक्वल टू क्या है, 1 किलोग्राम फोर्स मीटर, ये आपके पास आ गए। अब 1 किलोग्राम फोर्स का वैल्यू कितना होता है, 9.8 न्यूटन, तो मैंने पुट किया 9.8 न्यूटन मीटर, और 1 न्यूटन मीटर किसके इक्विवेलेंट है, 1 जूल के, तो मैं यहां पे लिख दूंगा 9.8 जूल। तो आपके पास क्या आ गया, 1 किलोग्राम मीटर इक्वल टू 9.8 जूल। जस्ट लाइक जैसे आप याद रखते हो ना कि 1 किलोग्राम फोर्स इज इक्वल टू 9.8 न्यूटन, तो आप ऐसे ही डायरेक्ट याद रखो 1 किलोग्राम मीटर इज इक्वल टू 9.8 जूल, क्लियर। ऐसे मेरे पास क्या होगा, सीजीएस पैरामीटर में आ जाएगा, मतलब इसमें और इसमें, इन दोनों में मैंने रिलेशन निकालना है, क्लियर। अब देखिए मुझे पता है कि जो 1 ग्राम सेंटीमीटर होता है वो किसके इक्वलेंट होता है आपके पास, 1 ग्राम फोर्स इंटू क्या होगा आपके पास, 1 सेंटीमीटर इंटू कॉस ऑफ 0, क्लियर। आप उसे कैसे लिख दोगे, 1 ग्राम फोर्स इंटू सेंटीमीटर, मैंने इस टाइप से लिख दिया। अब ये जो ग्राम फोर्स होता है उसका वैल्यू कितना होता है आपके पास, 989 सेंटीमीटर, और 9 सेंटीमीटर किसके इक्वलेंट होता है, हमारे पास अर्क के इक्वलेंट होता है, तो आपके पास क्या होगा 980 आर, बट ये हमारे पास यूज नहीं होती, क्लियर। ये वाला फिर भी यूज आपके पास हो सकता है, बट अगर आपको इस सेंस में याद है ना कि अगर आपको ये चीज है कि 1 किलोग्राम फोर्स मेरे पास 9.8 न्यूटन के इक्वलेंट होता है, तो 1 किलोग्राम मीटर जो मेरे पास होगा 9.8 किसके इक्वलेंट होगा, यहां पे 9.8 जूल के इक्वलेंट होगा। ऐसे जो 1 ग्राम फोर्स होता है वो 980 डाइम्स के इक्वलेंट होता है, क्लियर। तो आपके पास ऐसे 1 ग्राम सेंटीमीटर वो किसके इक्वलेंट होगा, 980 अरक के इक्वलेंट होगा, क्लियर। मतलब उसी की सेंस में ये रिलेशंस हमारे पास बन जाती हैं, क्लियर। एनी डाउट?